फ्रेंड्स, शरीर में अगर खून की कमी हो तो आप इस बीट की सब्जी को बनाकर खा के देखिए, यह सच में विटामिन से भरपूर। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दो बीट लिया है और इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, क्योंकि बीट कटने के बाद हम इसे धोएंगे नहीं, इसीलिए आप इसे पहले ही धो लें। इसके बाद बीट के दोनों तरफ चाकू से काट के फेंक देंगे या थोड़ा सा इस तरह से फेंक देंगे। इसके बाद हम छिलका निकाल लेंगे। मैं इसे निकाल रही हूँ, आप चाहे चाकू से या किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल। तो इस तरह से मैंने सारे बीट को छील लिया है। देखिए, एक बीट मैंने छील लिया है और एक जो बचे हैं वो भी हम इसी तरह छील लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों बीट को छील लिया है। अब हम इसे काटेंगे। तो पहले हम बीट को बीच में से इस तरह से काटेंगे, क्योंकि ये बीट काफ़ी बड़ा है। देखिए, एकदम फ्रेश बीट है और कितना अच्छा कलर है। मैं इस तरह से स्लाइस करके पतला पतला करके काटूंगी। आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो, मगर इसको थोड़ा लंबाई में अगर आप काटते हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप लाल साग बना रहे हो। तो इसी तरह देखिए, मैंने पतला पतला काट लिया है और सारे बीट को हम ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बीट को काट लिया है। इसी के साथ में मैंने लिया है एक टमाटर, एक प्याज, थोड़ी सी लहसुन लेंगे, धनिया पत्ता लेंगे, करी के पत्ते और हरी मिर्च। जितना हमें चाहिए हम उतना ले लेंगे। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे बड़ा एक चम्मच ऑयल, थोड़ी सी और। इस सब्जी में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी जीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। इसमें से अगर कोई एक चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन को कूट लिया था। लहसुन डाल देंगे और गरम ऑयल के साथ में जस्ट मिला लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटा, थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे और गरम ऑयल के साथ में हम इसे एक मिनट तक भूनेंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। साथ ही हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च लिया है, इसे प्याज के साथ में मिला लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी करी के पत्ते ऐड करेंगे, इसे भी मिला लेंगे। देखिए, प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। ये देखिए, बस थोड़ा हल्का पिंकिश आ गया है। अब हम इसमें बीट ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। अगर आप बीट को कट के धोते हो तो सारा कलर निकल जाएगा। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। देखिए, बीट के सब्ज़ी में नमक भी बहुत कम ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे 2-3 मिनट बिना ढके गैस को हाई फ्लेम में रख के अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और बीट थोड़ा नरम भी हो जाएगा। तो 2-3 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम में अच्छी तरह मिलाया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह फिर से मिला लेंगे। बीट को आप कुकर में भी कर सकते हो, मगर कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका एक अलग ही स्वाद होता है। अब हम इसी वक्त टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही इसी को भी मिला लेंगे। कभी कभी बीट को अगर कुकर में करते हो तो वो ज़्यादा गल जाते हैं और टेस्ट भी थोड़ा पानी पानी हो जाते हैं। अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और एक बार चेक करेंगे। अच्छी तरह फिर से एक बार मिला लेंगे। देखिए, सॉफ्ट हो गया है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर। हम इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, हर सब्जी में गरम मसाला अच्छा नहीं लगता। कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम गैस को फिर से लो फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। गैस को हम लो मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम कर देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन को हटाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे और इसे हम बिना ढके 15
फिर से 2-3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अब हम इस सब्जी को ढकेंगे नहीं, थोड़ा सा गीला गीला पानी पानी है तो पूरा पानी को हम सुखा लेंगे, जब तक कि ना सब्जी से ऑयल छूटे। थोड़ी सी धनिया पत्ता और ऐड किया है और हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। 2-3 मिनट पकाने के बाद सब्जी बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। बहुत ही कम मसाला में इस सब्जी को बनाकर एक बार खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इस सब्जी को आप तवा रोटी या राइस के साथ में भी खा सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।